हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज ही हम फिर से आए सदफ खाने के लिए। हमने लास्ट टाइम इनका खाना खाया था और खाना बहुत ज़बरदस्त था। सो आज हम फिर से प्लान कर रहे थे खाना खाने के लिए आएँ, और जब हम खाना खाने के लिए आएँ तो उनके जो बॉस हैं उनने हमारी वीडियो देखी, तो उनने कहा था कि आज आपको कुछ स्पेशल खिलाते हैं। मैंने बोला स्पेशल खिलाने लगे था स्पेशल, हम फिर से वीडियो बनाते हैं आपकी। और हम बाहर आए और हमने सोचा कि वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सदफ है जी विम्सो रोड पे, इसका हम ज़रूर पोस्ट कोड नीचे मेंशन करेंगे। और इनका खाना लास्ट टाइम बहुत ज़बरदस्त था। लेट्स सी आज इन्हें हमारे लिए, मतलब कि जो उसने हमें खुद से कहा है कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बनाता हूँ, तो लेट्स सी वो स्पेशल क्या बनाते हैं और आप हमारे साथ इन्जॉय कीजिएगा। सो जी हम परमिशन लेके अंदर आए हैं और भाई ने हमें परमिशन दे दी है, और इस पर बन रहे हैं नान। आपको दिखाते हैं कि फ्रेश नान यहाँ पे सदफ पे बनाए जा रहे हैं। चेक करें नान का साइज, चेक करें, अच्छा जी फ्रेश नान बन रहे हैं। नान का साइज और नान का कलर चेक करें, हाय 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 हाय, देख के इसको चस आ रही है। उसके अलावा जी यहाँ पे हमारा अल्फाहम चल रहा है जो कि ऑलरेडी मतलब कि हाफ कुक हो चुका है, और यहाँ पे जो भी चीज़ मिल रही है बिल्कुल फ्रेश मिल रही है। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये आपके सामने उसी वक्त ही बनाते हैं, और ये बनाते भी कोयलों में, और कोयलों में बनाते हैं। कोयलों में बनाने का एक चस्सी अलग है, कोयलों का टेस्ट जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अंदर हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है, तो हम अंदर की साइड पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा यहाँ पे ये चिकन भी मिलता है, यहाँ पे तकरीबन सब कुछ ही अवेलेबल है जो आप खाना चाहें, काबीदा काबली पुलाव एवरीथिंग। मेरा फेवरेट काबली पुलाव है, तो मैं आपको काबली पुलाव बता दें यहाँ पे कितना ज़बरदस्त काबली पुलाव बनता है। ये जी सफाई के अंदर बहुत ज़बरदस्त ख्याल रखा हुआ, साफ सुथरा है, और काबली पुलाव का देज का लिखें कितना बड़ा है। ये काबली पुलाव के चावल हैं, ठीक है, मैंने इतना बड़ा देज का काबली पुलाव का पहले नहीं देखा। What's inside this one? Just the same, just काबली पुलाव। Okay. So कढ़ाई तैयार हो रही जी हमारी यहाँ पर, फ्रेश कढ़ाई ने बना के दी हमें। It's नमक मंडी कढ़ाई। नमक मंडी कढ़ाई। साथ में फ्रेश धनिये के साथ, ओए होए होए होए, चेक करें जी फ्रेश धनिया के साथ इसका खा के चस आ जानी है। क्या कहता है? बहुत चिली भी आ गई है ऊपर, साथ में अदरक काटा जा रहा है। इसके ऊपर जब अदरक डलेगा तो चस ही लगा आएगा। स्वीटें भाई की हैं, साथ में बन रहे जी सीख कबाब कबीदा, जो कि कबीदा बहुत मज़े का होता है। नान और कबीदे का जो टेस्ट है ना वो ज़बरदस्त है। अगर आते कभी नहीं ट्राई किया आप यूके आते हैं तो कबीदा नान ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे ख्याल से कबीदे का कोई वो नहीं है, कोई सानी नहीं, कोई सानी है, कोई जोड़ नहीं है। पर डे वैसे कितने कबीदे इस मतलब चले जाते हैं? 100-150 कबीदे चले जाते हैं भाई। सदफ के कबीदे वैसे बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसकी वजह से 100-150 कबीदे ये एक दिन में सेल कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त है। इनका कबीदा जो है स्पेशली मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने खाया था बहुत ज़्यादा जूसी था, और हम यही खाने नहीं दिया था, यही कंप्लेन कर रहे थे हम कि छोटा है। लेकिन साइज इसका चेक करें क्योंकि जब वो बनता है थोड़ा वो सुखड़ जाता है, लेकिन मेन है जी फ्लेवर। जब फ्लेवर मज़े का है तो और क्या चाहिए आपको। तो अभी हम इन लोगों ने हमारे लिए सिटिंग ऊपर रखी है, हम ऊपर सबसे टॉप वाले फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ पे एक रूम है उधर बैठ के हम खाएंगे अपनी कढ़ाई। टॉयलेट्स नहीं देखने भाई हमने, अच्छा आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, रूम बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से आई थिंक 20 लोग इजी, 20 या 15 इससे भी ज़्यादा आ जाएंगे ना, इस साइड में भी बैठ जाएंगे, इस साइड में भी बैठ जाएंगे। 20 to 15 पीपल,
20 to 25 पीपल इजिली यहाँ पर बैठ सकते हैं। अच्छा जी, कढ़ाई हमारी तैयार है और कढ़ाई वाकई में उसने बहुत दिल से बनाई है, बहुत जबरदस्त बनाई है। नानों का साइज भी बहुत जबरदस्त है। ये बनाते नान का साइज तो दिखाना है, अपने मुंह के साथ रख के सिर्फ तेरा ढाई मुंह हो ना इसमें, वही बनता है ना, नान कटला या जान कटला, ये सुबह यही होगा भाई। उसके अलावा ये क्या कहते हैं अपना, हमने अल्फाम वो लेके आ रहा है, साथ में एक कबेला भी लेके आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था, ऑर्डर थोड़ा सा लेट किया था, कढ़ाई पहले बन चुकी थी क्योंकि हम वीडियो के चक्कर में लग गए थे, सो थोड़ी देर में आ रहा है और फिर एक साथ ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, ओके, या थैंक यू। सो जी, अपना खाना आ चुका है और यकीन करें मुंह में इस तरह पानी आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। हमने मंगवाया जी कबीता कबाब, क्योंकि इनका कबीता जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, इतना ज़्यादा जूसी है जिसकी कोई हद नहीं। इसका जूस का आप आइडिया देखिएगा, कसम से ऊपर करी ज़रा, या ये जबान के नीचे थोड़ा सा पानी आया है, कसम से। तो ये ड्रिंक नहीं मिलेगी तो पानी पी ले, घुलता हुआ है, चेक कीजिए इनका कबीता कबाब। जूस से भरा हुआ है, अब ये गर्म बहुत था, नहीं तो भाई ने मुंह एकदम इसको मुंह में डाल के खा जा रहा था। उसके साथ हमने मंगवाया है जी अपना अल्फाहम। अल्फाहम चिकन जो है वो कोयलों पे हल्की आंच पे बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत जबरदस्त होता है। मतलब कि कितना ज्यादा एक्सप्लेन करूं, पानी आया, पानी कसम से आया है। जहां तक कढ़ाई की बात है, सुन, यहाँ पे तेरी आंखें ब्राउन ब्राउन लग रही है। मेरी वैसे ओरिजिनली आंखें ब्राउन ही है, वो अलग बात है, आंखें खराब होने के बाद मेरे चश्मे के पीछे छुपानी पड़ रही है। एनीवेज, कढ़ाई जो है, कढ़ाई की जो शक्ल जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब इसको टेस्ट करते हैं, खाते हैं और इन्जॉय करते हैं, और हम आपको साइड पे लगा के छोड़ देंगे, हम खाएंगे, आपने देख के इन्जॉय ज़रूर करना है, फीलिंग लेना। अच्छा, मजे की बात यह है कि प्राइवेसी का भी आप ख्याल कर सकते हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं, दरवाजा को बंद करें और खाने को इन्जॉय करें, अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो। उसके अलावा जी नान का साइज चेक कर ले, मेरे मुँह से बड़ा है, और अब हम इसको तोड़ेंगे। उतना तोड़ना जितना खाना है तूने, इतना ही खाना है, ठीक है जी। सबसे पहले हम जाएंगे कढ़ाई की तरफ, क्योंकि हम दो ही हैं तो हम कढ़ाई के अंदर ही खाएंगे। वैसे कहते हैं कि बर्तन के अंदर खाना खाने से शादी वाले दिन बारिश होती है, चेक करके देखते हैं। हाँ, कहते हैं, सुना है, नहीं तो शादी वाले दिन बारिश होगी तो क्या होगा, शादी नहीं होगी, नहीं लोगों का कहना है, चेक करें जी। आय हाय हाय, और जी ये पहला नवाला मुंह में जाते ही दिल से आवाज निकली, जी और सदा पालो। जल्दी जल्दी करो, मैं तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, कसम से मजे की प्रॉपर कढ़ाई बनी हुई है, क्योंकि ये भाई साहब ये है भी अफगानी, तो उन्होंने प्रॉपर ये अफगानिस्तान का टच आया है, बहुत है टच के, नहीं जबरदस्त। कभी इधर चेक कीजिएगा जी, गर्म बहुत है यार ये, इसको बाद में करते हैं, मुर्गी की तरफ आते हैं। मुर्गी भी गर्म ही होगी, मोगरी मोगरी नहीं है ये, फिर भी कबीता बहुत ज्यादा गर्म था। थोड़ा सा रायते में डाल के ना, मैंने भी खाना, मेरा समझ लग रही कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, ये गरम कबीता ट्राई करके देख, मेरी मोहब्बत देख ले कि मैं तेरे को टेस्टिंग करने का मौका दिया, नहीं तो मेरा दिल नहीं करता। कढ़ाई भी तूने टेस्ट की है, चिकन भी तूने टेस्ट किया मेरे पे, फिर एंड लास्ट वीडियो में मेरे साथ इस तरह ही हुआ था। भाई मैं मोटा हूं ना, मेरे को ज्यादा खाना होया, जूसेस वगैरह तूने बता दी है, सिर्फ मैं ये खा के गर्म है, खा के सिर्फ बताऊंगा कि ये चीज कैसा, फिर बहुत आला, सुपर, वो नहीं पता वो। अच्छा जी, अब हम खाएंगे, आपने देखकर एंजॉय करना, क्योंकि भूख इतनी ज्यादा लगी है जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसे राइस का भी ऐसा टेस्ट है, मतलब खाली नहीं खाली। यार मैं तो राइस का देश का देख के रहा हूँ, और ये लिटरली मुझे लगता है एक दिन में खत्म हो जाता है, जिस तरह दुबई के अंदर वो नहीं करते इस तरह करके। हाँ, तुझे अगर रखे तू भी आ सकता पूरा, मेरा साइज ज्यादा है, मैं तो आ नहीं सकता, मैं लंबा हूँ। हाँ जी, तेरी टांगे काटेंगे हम, टांगे लहदा काटेंगे, हाथ लहदा काटेंगे।
सो जी अब खाते हैं खाना और आप देख के एंजॉय करें, हम जरा खा के एंजॉय करते हैं। ये जानवर आपको अगर कहीं भी दिखे तो इससे दूर रहिएगा। अच्छा जी, खाना बिल्कुल डिमोलिश कर चुके हैं हम। कढ़ाई मेरे ख्याल से ये ऑयल रह गए, ये भी खा जाता। अच्छा, मुर्गी की यहाँ पे किसी ज़माने में टांग और चेस्ट पड़ी होती थी जो कि बेचारी की पता नहीं पसलियाँ ही रह गई हैं। एक मिनट वीडियो में देखिएगा, हाफ पे चिकन था, हाफ सैलड था। चलो चिकन हमने मिलके खाया, सैलड मैंने अकेले ने खाया, ठीक है। टमाटर मैं खाता नहीं हूँ, मैंने खाया नहीं। ये भाई साहब का सैलड ये है भाई, अपनी सैलड से दोस्ती नहीं है कोई खास। जहां तक चावलों की बात है, चावलों का टेस्ट बहुत जबरदस्त था। चावल भी खत्म हो चुके हैं। शाउट आउट टू सदफ भाई, बहुत मजे का खाना था और मेरे ख्याल से पैसे पे करिए थे। चलिए लेट्स गो अपने ड्रिंक। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, बस एवरीथिंग वाज फाइन। भाई फूड ग्रेट था, यहाँ पे रश बहुत ज्यादा है, इस वजह से अब हम नीचे की वीडियो नहीं बना रहे और हम आगे निकलते हैं। थैंक यू ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम।